हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने गलती से हरा राशन कार्ड यानी एपीएल राशन कार्ड बना लिया है या फिर आपको राशन कार्ड की ज़रूरत थी और आपको मजबूरी में राशन कार्ड जनरेट करना पड़ा, अपना राशन कार्ड बनवाना पड़ा, लेकिन अब आप हरे से पीला राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर हरे से गुलाबी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपका राशन कार्ड कैसे बनेगा आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये भी आपको बताने वाले हैं कि आप कहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बनेगा या नहीं, बनेगा तो किस प्रकार का राशन कार्ड बन सकता है और अगर नहीं बन सकता तो आप कैसे बनवा सकते हैं, समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आपको वहां पर ले चलते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर आकर सिटीजन कॉर्नर ऑप्शन के माध्यम से रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस ऑप्शन के अंदर अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी को डालकर अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन करेंगे, आप फैमिली वेरिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों आपको आपकी इनकम से संबंधित, आपके राशन कार्ड से संबंधित, आपके आयुष्मान कार्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी कि आपका किस प्रकार का राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड नंबर क्या है, फिलहाल आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या नहीं, आपकी कितनी इनकम वेरीफाई है, कितनी आपने खुद डिक्लेयर की थी, आपके सभी सदस्यों की अलग अलग इनकम भी देखने को मिल जाएगी, किसके माध्यम से आपकी इनकम वेरीफाई है, किस सदस्य की और कितनी वेरीफाइड है, कंप्लीट रिकॉर्ड यहां से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस परिवार का फिलहाल एपीएल यानी हरा राशन कार्ड बना हुआ है और इस परिवार की जो इनकम है वो 1,80,000 से 3,00,000 तक वेरीफाई है। अब दोस्तों ये जो इनकम है वो किस कारण से वेरीफाई हुई है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस सदस्य की जो इनकम है वो एससी यानी सेक्टर कमेटी ने 1,80,000 से ज्यादा वेरीफाई कर दी है और इसे 1,80,000 से 3,00,000 के स्लॉट में वेरीफाई कर दिया है। अब दोस्तों अगर आपकी इनकम वास्तव में ही इतनी है फिर आप पीले राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, आपका हरा ही राशन कार्ड बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये इनकम गलती से वेरीफाई हुई है तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इनकम ग्रीवेंस। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने यस नो का ऑप्शन आएगा, आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक तरीका तो यह है और जो दूसरा तरीका है उससे आप कैसे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करने के लिए, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहां पर लॉगिन आप कैसे कर सकते हैं, इस पेज पर आप कैसे आ सकते हैं, उससे संबंधित जो अलग से कंप्लीट वीडियो है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपका हरा राशन कार्ड बना हुआ है और इनकम ज्यादा है तो आपको इनकम कम करने की रिक्वेस्ट डालनी है और जैसे ही कम होती है आपका बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम फिलहाल 1,80,000 से कम है और यहां पर आपका एपीएल राशन कार्ड बना हुआ है और यहां पर दोस्तों आपको कोई भी एक्सक्लूजन देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ बिल्कुल ओके है और दोस्तों केवल आपका यहां पर एपीएल राशन कार्ड बना हुआ है और जो राशन कार्ड स्टेटस है वो भी यहां पर आपको एलिजिबल देखने को मिल रहा है, फिर आपको घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपका पीला राशन कार्ड खुद ब खुद बन जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में 50,000 से कम वेरीफाई होगी तो दोस्तों जैसे ही आपका पीला राशन कार्ड बनता है उससे 2 से 3 महीने के अंदर आपका गुलाबी राशन कार्ड में आपका जो राशन कार्ड है पीला वो कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों पहले पीला बनेगा, उसके बाद 2 से 3 महीने या 4 महीने में आपका जो राशन कार्ड है वो गुलाबी राशन कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 50,000 से ऊपर और 1,80,000 तक वेरीफाई होगी तो आपका पीला राशन कार्ड बन जाएगा
रहेगा वो पीला ही रहेगा जब तक आपकी इनकम इस स्लॉट के अंदर वेरीफाई रहेगी। अब दोस्तों यही ध्यान आपको रखना है, अगर आपका एपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो यहां पर कोई एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, और इनकम ज्यादा अगर आपकी वेरीफाइड है तो आप उस इनकम को रिक्वेस्ट डाल के कम करवा लीजिए, आपका पीला राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर आपने हरा राशन कार्ड बना लिया है तो आप ये न समझें कि एक बार हरा राशन कार्ड बन गया फिर आपका पीला नहीं बनेगा, न तो आपको इसे कटवाने की आवश्यकता है, केवल आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आपका जो राशन कार्ड है वो पीले में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ दिन में अगर आपकी इनकम 50,000 तक या उससे कम वेरीफाई होगी तो पीला बनने के बाद 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर वह गुलाबी राशन कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों 1-1.5 महीने के लिए राशन कार्ड बनने की जो प्रोसेस है वो बंद है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए दोस्तों आपको वेट करना होगा, जैसे ही हटती है आपके राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है उससे कम वेरीफाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि इससे संबंधित आपकी लगातार कमेंट आ रही थी और आपके मन में चिंता थी कि हमने गलती से या जरूरत के कारण हरा राशन कार्ड बना लिया है कि अब हमारा कभी भी गुलाबी या पीला राशन कार्ड नहीं बनेगा, क्या हमें इसे कटवाना होगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अगर इनकम ज्यादा है तो उसकी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, अगर कोई एक्सक्लूजन जुड़ा हुआ है उसकी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, बस आपकी फैमिली आईडी में कोई एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए और न ही आपकी इनकम 1.80 से ज्यादा वेरीफाई होनी चाहिए, आपका जो राशन कार्ड है वह हरे से पीले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।